बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल लेस देन एंड ग्रेटर देन आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने इसको लेस देन एंड ग्रेटर देन के सिंबल के साथ कंपेयर करना है। इसके बाद अरेंज करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 235,691, 235,090, 245,091, 245,192। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल के साथ इसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को राइट करेंगे 245,192। इन तमाम वैल्यूज़ में से ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको सबसे पहले राइट करेंगे, ये सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, इससे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 245,091। इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 235,691। इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 235,090। ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है और ये उससे छोटी है। तो यहाँ पे हमने सैम्बल को इस तरह से राइट करना है, जो ग्रेटर वैल्यू है उस तरफ हमने इस सैम्बल का फेस ओपन करना है। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। हमेशा इस सैम्बल का फेस बड़ी वैल्यू की तरफ ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे 245,192 ग्रेटर देन 245,091 ग्रेटर देन 235,691 ग्रेटर देन 235,090। अब यहाँ पे इसको ग्रेटर देन के सैम्बल के साथ कंपेयर किया है। अब यहाँ पे लेस देन के सैम्बल के साथ राइट करेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को राइट करेंगे। लेस देन का सैम्बल यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को राइट करेंगे। लेस देन का यहाँ पे सैम्बल यूज करेंगे, अब यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे। लेस देन का सैम्बल यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्रेटर देन का सैम्बल यूज किया, उसके बाद लेस देन का सैम्बल यूज किया। सबसे पहले अब यहाँ पे इन सैम्बल के साथ इन वैल्यूज को कंपेयर किया। अब यहाँ पे राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ राइट करना, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सबसे पहले छोटी वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद उससे बड़ी ये वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू इससे बड़ी है, उसके बाद ये वैल्यू इससे बड़ी है। ये है असेंडिंग ऑर्डर, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ राइट करना। अब यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना है, ये वैल्यू पहले राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे, फिर ये वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट नंबर 2 578,901, 579,803, 679,807, 679,817। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटर देन एंड लेस देन के सैम्बल के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। ये इससे छोटी है, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। ये ग्रेटर वैल्यू है, अब यहाँ पे सैम्बल राइट करेंगे। ये ग्रेटर का, ये ग्रेटर वैल्यू है, इससे यहाँ पे सैम्बल राइट करेंगे ग्रेटर का। ये ग्रेटर वैल्यू है, इससे
यहाँ पे सैम्बल राइट करेंगे ग्रेटर का। अब यहाँ पे ये वैल्यू पहले राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे और यहाँ पे लेस देन का सैम्बल इस तरह से राइट करेंगे। क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ पे इनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ये है असेंडिंग ऑर्डर और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। इन तमाम वैल्यूज़ को इसी तरतीब से यहाँ पर राइट करेंगे। ये है असेंडिंग ऑर्डर, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ इनको हमने राइट करना है। और यहाँ पे ये जो तरतीब है ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट नंबर 3, 10,028, 1,26,000, 1,10,028, 1,10,027। अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू राइट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 1,10,028, यहाँ पे राइट करेंगे। इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 1,10,027, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 10,028। अब यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू है, इस वैल्यू से ये ग्रेटर वैल्यू है, इस वैल्यू से ये ग्रेटर वैल्यू है, इस वैल्यू से यहाँ पे ग्रेटर देन का सैम्बल राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने लेस देन के सैम्बल के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले ये वैल्यू राइट करेंगे, लेस देन का सैम्बल राइट करेंगे, फिर ये वैल्यू राइट करेंगे, लेस देन का सैम्बल राइट करेंगे, फिर ये वैल्यू राइट करेंगे, लेस देन का सैम्बल यहाँ पे राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पे। ग्रेटर देन और लेस देन के सैम्बल के साथ सबसे पहले इसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे। यहाँ पे ये है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे इस तरतीब से इसको राइट करेंगे। यहाँ पे ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ राइट करना। पार्ट नंबर 4, 5,62,389, 5,62,399, 5,72,390, 5,72,381। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है ये, यहाँ पे राइट करेंगे, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट छोटी वैल्यू है ये, यहाँ पे राइट करेंगे, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे, ये वाली इससे छोटी है, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन शो करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन शो करेंगे, ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन शो करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू सबसे पहले राइट करेंगे, लेस देन का साइन शो करेंगे, इसके बाद ये वैल्यू राइट करेंगे, लेस देन का
साइन यहाँ पे शो करेंगे, फिर ये वैल्यू राइट करेंगे। लेस देन का साइन यहाँ पे शो करेंगे, इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के साथ इस तरह से इसको राइट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये तरतीब है असेंडिंग ऑर्डर की। और यहाँ पे ये तरतीब है डिसेंडिंग ऑर्डर की। यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी राइट कर लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल लेस देन एंड ग्रेटर देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, अब यहाँ पे देखें इन 4 वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है। इस बात को आपने माइंड में रखना है, जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी अगर उसके साथ माइनस का साइन होगा तो वो वैल्यू उतनी छोटी कहलाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे राइट करेंगे -8496, ये वैल्यू सबसे पहले राइट करेंगे, ये वैल्यू सबसे छोटी है। अब इससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे -8491। अब यहाँ पे इससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे -8395। यहाँ पे ये वैल्यू इससे ग्रेटर है। अब यहाँ पे इससे ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे -8394। इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो यहाँ पे ये सैम्बल इस तरह से राइट करेंगे कि बड़ी वैल्यू की तरफ इसका फेस ओपन करेंगे। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे ये सैम्बल इस तरह से राइट करेंगे। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये सैम्बल इस तरह से राइट करेंगे कि इसका फेस बड़ी वैल्यू की तरफ ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको लेस देन के सैम्बल के साथ राइट किया है, ग्रेटर देन के सैम्बल के साथ राइट करेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू राइट करेंगे -8394, ग्रेटर देन -8395, ग्रेटर देन -8491, ग्रेटर देन -8496। अब यहाँ पे ये तरतीब है असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे राइट करेंगे -8496, -8491, -8395, -8394। ये असेंडिंग ऑर्डर है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। अब यहाँ पे ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे राइट करेंगे -8394, -8395, -8491, -8496। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट नंबर 2, 503, 530, 556, -563। सबसे छोटी वैल्यू राइट करेंगे -563, इससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 503, इससे ग्रेटर वैल्यू राइट करेंगे 530, 556। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे ये वैल्यू 556, 530, 556, ग्रेटर देन 530, ग्रेटर देन 503, ग्रेटर देन -563। ये लेस देन के सैम्बल के साथ राइट किया है, ये ग्रेटर देन के सैम्बल के साथ राइट किया है। असेंडिंग ऑर्डर में ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो यहाँ पे राइट करेंगे -563, 503, 530, 556। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, 556, 530, 503, -563, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे ये 4 वैल्यूज गिवन है,
-137, -138, -1886, 1308. अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे. यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है -1886. उससे ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पे, इससे ग्रेटर वैल्यू, उससे ग्रेटर वैल्यू है 1308. अब यहाँ पे ये छोटी वैल्यू है. सैम्बल को इस तरह से राइट करते जाएंगे. लेस देन का सैम्बल सबसे पहले राइट करेंगे. ये वैल्यू छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये छोटी है, ये इससे बड़ी है. अब यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे. ग्रेटर देन, यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे -137, ग्रेटर देन -138, ग्रेटर देन -1886. असेंडिंग ऑर्डर, अब यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे. ये असेंडिंग ऑर्डर है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ. डिसेंडिंग ऑर्डर, अब यहाँ पे ये तरतीब है, इसको राइट करेंगे. ये है डिसेंडिंग ऑर्डर. पार्ट नंबर 4, -87,650, -78,432, -78,402, 78,401. अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू को यहाँ पे राइट करेंगे. -87,650, ये सबसे छोटी वैल्यू है. इसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे. -78,432, इसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे. 78,402, इसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे. 78,401. अब यहाँ पे इसको इस तरह से राइट करेंगे. ये वैल्यू सबसे पहले राइट करेंगे. 78,401 ग्रेटर देन -78,402 ग्रेटर देन -78,432 ग्रेटर देन -87,650. अब यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. यहाँ पे राइट करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे इस तरतीब को राइट करते जाएंगे. अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की ये तरतीब है, इसको राइट करेंगे. ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर बाय यूजिंग सैम्बल लेस देन एंड ग्रेटर देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, 28.356, 28.343, 28.357, 28.532. लेस देन एंड ग्रेटर देन के कंपेयर के साथ इसको राइट करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे 28.343. अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू राइट करेंगे. अब यहाँ पे ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये इससे बड़ी वैल्यू है, ये इससे बड़ी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है. यहाँ पे राइट करेंगे इस सैम्बल को. ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है. यहाँ पे राइट करेंगे 28.532 ग्रेटर देन 28.357 ग्रेटर देन 28.356
ग्रेटर देन 28.343। अब यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब से राइट हैं, इनको राइट करेंगे 28.343। अब यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ राइट करेंगे। यहाँ पे ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट नंबर टू 120.08, 130.08, 120.80, 120.01। अब यहाँ से सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को राइट करेंगे 120.01, उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, इससे बड़ी वैल्यू है 120.08, उससे बड़ी वैल्यू है 120.80, इससे बड़ी वैल्यू है 130.08। ये छोटी वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है। अब यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे 130.08 ग्रेटर देन 120.80 ग्रेटर देन 120.08 ग्रेटर देन 120.01। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे राइट करेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर है 120.01, 120.08, 120.80, 130.08। डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे यहाँ पे 131.01, 131.08, 103.78, 113.08। सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 103.78 लेस देन 113.08 लेस देन 131.01 लेस देन 131.08। यहाँ पे राइट करेंगे 131.08 ग्रेटर देन 131.01 ग्रेटर देन 113.08 ग्रेटर देन 103.78। अब यहाँ पे राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तरतीब है असेंडिंग ऑर्डर की और ये तरतीब है डिसेंडिंग ऑर्डर की। यहाँ पे इस तरतीब से इसको राइट करेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये तरतीब है डिसेंडिंग ऑर्डर की, यहाँ पे राइट करेंगे। ये तरतीब है डिसेंडिंग ऑर्डर की। पार्ट नंबर 4, 236.089, 236.219, 236.217, 236.207। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले राइट करेंगे 236.089 लेस देन, इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे 236.207 लेस देन, इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 236.217 लेस देन, इससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे 236.219। अब यहाँ पे राइट करेंगे 236.219 ग्रेटर देन 236.217 ग्रेटर देन 236.207 ग्रेटर देन 236.089।
अब यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब से है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब से है, यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे अब राइट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे ये है डिसेंडिंग ऑर्डर।